हरे कृष्णा। संपूर्ण ब्रह्मांड में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भगवान के परम भक्त हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे विषय में जो परम सत्य ज्ञान है वह अत्यंत गुह्य है और वह केवल भक्तिमय सेवा के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और उसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि परम ईश्वर परमात्मा के विषय में जो दिव्य ज्ञान है वह व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं ईश्वर द्वारा उसके सामने प्रकाशित हो। मानसिक कल्पनाओं और तर्कों के माध्यम से व्यक्ति कभी ईश्वर के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे गुह्यतम और दिव्य ज्ञान है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि हजारों लाखों लोगों में से कोई एक व्यक्ति मनुष्य जीवन की परम पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है, और ऐसे हजारों मुक्त जीवात्माओं में से कोई एक विरला ही मुझे यथारूप में जान सकता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब तक व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न नहीं होता तब तक वह ईश्वर को नहीं समझ सकता। और शायद यही कारण रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता की शिक्षा अर्जुन को दी, क्योंकि वह उनका सखा था और भक्त भी था। भक्तिमय सेवा वैधी भक्ति या नियामक सिद्धांतों का पालन करके की जा सकती है, और इस वैधी साधना भक्ति का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है भगवान की लीलाओं के विषय में सुनना और उनके पवित्र नाम का उच्चारण करना। तो चलिए इसी प्रथम चरण का अनुसरण करते हुए आज हम आपको भगवान के वामन अवतार की अत्यंत मधुर और रोचक कथा का आस्वादन कराते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए और असुरों का संहार करने के लिए अनेक बार इस पृथ्वी पर विविध अवतार धारण करते हैं। भगवान के मुख्य 10 अवतारों में से एक अवतार है श्री वामन देव के रूप में। इस अवतार में भगवान स्वयं महान तपस्वी ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। अनेक वर्षों पूर्व की बात है, एक समय देवासुर संग्राम के दौरान असुरों के राजा बलि अत्यंत घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ उनके अनेक सैनिकों का भी नाश हो गया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने जब यह देखा तो उन्होंने करुणावश बलि महाराज और असुर सैनिकों का संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने के पश्चात बलि महाराज गुरु शुक्राचार्य के प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अन्य असुरों के साथ उनकी सेवा करने लगे। उनकी एक निष्ठ सेवा को देखकर शुक्राचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि महाराज को विश्वजीत यज्ञ करने का निर्देश दिया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उस यज्ञ की अग्नि में से एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच और बाणों के 2 तरकस प्रकट हुए, जिन्हें बलि महाराज को यज्ञ के फल स्वरूप सौंपा गया। इस अवसर पर बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें दिव्य फूलों की एक शाश्वत माला प्रदान की और उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें शंख प्रदान किया। यह सारी युद्ध सामग्री प्राप्त करके और अपने गुरु, पितामह और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी की। जब देवताओं ने देखा कि बलि महाराज की सेना विजय नाद करती हुई स्वर्ग की सीमाओं पर आक्रमण कर रही है तो उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति के निर्देश अनुसार वहां से अदृश्य होने का निश्चय किया। इस प्रकार सारे देवता अलग अलग जगहों पर चले गए और बलि महाराज के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन भृगु वंशज ब्राह्मण जानते थे कि जब तक बलि महाराज 100 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न नहीं कर लेते तब तक वह इंद्र के सिंहासन पर स्थायी नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें परामर्श दिया गया कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेघ यज्ञ करें। एक तरफ जहां शुक्राचार्य के आदेश अनुसार और उनके नेतृत्व में बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्वर्ग से सभी देवताओं के चले जाने के कारण देवताओं की माता अदिति अत्यंत व्यथित और दुखी हो गई। उनकी स्थिति को देखकर उनके पति और महान तपस्वी ऋषि कश्यप ने उनसे उनकी उदासीनता का कारण पूछा। इसके उत्तर में माता अदिति ने उन्हें कहा कि स्वर्ग से उनके पुत्रों की अनुपस्थिति के कारण उनका मन अत्यंत व्यथित है और वे अपने पुत्रों के प्रति स्नेह के कारण उनका संरक्षण चाहती है। माता अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से याचना की कि वे उनके पुत्रों को ऐसा वरदान दे जिससे वे अपनी संपत्ति, कीर्ति और ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर सके। अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह से आसक्त अदिति को देखकर कश्यप ऋषि ने उन्हें सांत्वना दी और आत्म साक्षात्कार, आत्मा और पदार्थ जगत का उपदेश दिया।
लेकिन उसके बावजूद भी माता अदिति का मन विचलित रहा। इसलिए कश्यप मुनि ने अंत में उनको भगवान नारायण की पूजा करने का निर्देश दिया। अपने पति के आदेशों का पालन करते हुए माता अदिति ने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत नामक पूजा विधि का पालन किया। 12 दिनों तक चलने वाले इस पयोव्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और माता अदिति की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने माता अदिति और कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में अवतरित होना स्वीकार किया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर को 12 बजे जब अभिजीत नक्षत्र उदित हो रहा था, उस समय भगवान स्वयं माता अदिति के गर्भ से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करके उत्पन्न हुए। उनका शारीरिक वर्ण श्याम था और उन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था। प्रकट होने के बाद उन्होंने अपने आप को वामन स्वरूप में धारण किया। सभी ऋषियों और ब्राह्मणों ने हर्ष प्रकट किया और उसी समय वामन देव के सारे संस्कार किए गए। यज्ञोपवीत संस्कार के समय विभिन्न देवी देवताओं ने उन्हें विभिन्न भेंट प्रदान की। उसके पश्चात वामन देव नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित उस स्थान पर गए जहां बलि महाराज अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। जब वामन देव उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो उनके तेज और कांति से सभी पुरोहित और ब्राह्मण अपने अपने स्थान से उठकर उनकी स्तुति करने लगे। ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले बलि महाराज ने भी बटुक ब्राह्मण के रूप में आए वामन देव का स्वागत किया, उनके चरण धोकर अपने सिर पर चढ़ाया और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। उसके बाद बलि महाराज ने वामन देव को कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके आगमन से मेरे पूर्वज संतुष्ट हो गए हैं। हमारा परिवार और वंश पवित्र हो गया और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह भी आपकी उपस्थिति से अपूर्ण हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। बलि महाराज की बात सुनकर भगवान श्री वामन देव ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने बलि महाराज के महान कुल का गुणगान किया और अंत में उन्होंने 3 पग भूमि का दान मांगा। वामन देव की इच्छा को बलि महाराज ने अत्यंत सामान्य समझकर यह दान देने का संकल्प कर लिया। लेकिन बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य इस बात से अवगत थे कि वामन देव के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आज बलि महाराज के पास आए हैं, जो कि देवताओं के मित्र हैं। इसलिए उन्होंने बलि महाराज को ये दान ना देने का परामर्श दिया। उन्होंने बलि महाराज को उपदेश दिया कि कुछ परिस्थिति में व्यक्ति अपना वचन तोड़ सकता है, लेकिन एक गृहस्थ होने के नाते बलि महाराज को उनके गुरु शुक्राचार्य की ये बात अनुचित लगी कि वे एक ब्रह्मचारी को दिया हुआ अपना वचन तोड़ दें। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा ना करना या झूठ बोलना ये अत्यंत पापमय कार्य है। उन्होंने निश्चय किया कि भले ही वामन देव के रूप में या स्वयं भगवान श्री विष्णु ही क्यों ना हो और भले ही वे दान लेकर मुझे बंदी बना लें, लेकिन फिर भी वह उनसे द्वेष नहीं करेगा और अपना वचन अवश्य पूर्ण करेंगे। ये सोचकर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दान दे दिया। जब बलि महाराज यह दान देने के लिए तैयार हुए तो भगवान वामन देव ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। भगवान की कृपा से बलि महाराज भगवान का यह दिव्य विराट स्वरूप देख सके। उन्होंने देखा कि वामन देव ने संपूर्ण जगत को और आकाश को आच्छादित कर लिया था। उन्होंने अपने हाथों से समस्त दिशाओं को घेर लिया और अपने दूसरे पग से समस्त ऊर्ध्वलोक, ब्रह्मलोक, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ब्रह्मांड के समस्त भागों को आवृत कर लिया और इस प्रकार ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां वे अपना तीसरा पग रख सके। जब बलि महाराज का सर्वस्व छीन गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुए और बलि महाराज के मना करने के बाद भी भगवान विष्णु के विरुद्ध अस्त्र उठा लिए, लेकिन भगवान के पार्षदों ने उन्हें पराजित कर दिया और पाताल लोक में भेज दिया। दूसरी ओर भगवान श्री हरि की इच्छा को जानकर उनके वाहन गरुड़ ने बलि महाराज को वरुण पाश से बांध दिया और तत्पश्चात भगवान वामन देव ने बलि महाराज से तीसरे पग भूमि की याचना की। अपना वचन पूर्ण करने के लिए अत्यंत उदार और सत्यनिष्ठ बलि महाराज ने अपना सिर दान में देने का निश्चय किया। बलि महाराज को स्मरण था कि किस प्रकार उनके पितामह प्रहलाद महाराज भगवान के विशुद्ध भक्त थे
और किस प्रकार पूर्व काल में भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक महापुरुष ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। इन बातों का स्मरण करते हुए बलि महाराज ने भगवान वामन देव से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखें। बलि महाराज की सत्यनिष्ठा और शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि महाराज की रक्षा के लिए अपना चक्र प्रदान किया और हमेशा उनके साथ रहने का वचन दिया। इस प्रकार वामन देव के रूप में भगवान ने माता अदिति की इच्छा पूर्ण की, देवताओं को अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ और बलि महाराज को अपनी विशेष कृपा प्रदान करके सूतल लोक में स्थान दिया, जो कि स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्य युक्त है। तो चलिए, आज भगवान वामन देव के आविर्भाव के दिवस पर हम सब उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें, ताकि हम भी भगवान के विशुद्ध भक्ति योग में स्थिर होकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।